7:34 डे 7 और आप सभी का स्वागत है इस लास्ट डे में। लास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हमने चैप्टर नंबर 5 SM का कुछ पार्ट छोड़ दिया था, जिसके पहले मैं सुबह 3 बजे उठ गया था। 3 बजे उठने के बाद मैंने 4 बजे से 7:30-8 बजे तक अभी तक मैंने IT का चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी भी SM का ये पार्ट जो थोड़ा सा बाकी था, इसलिए मैं पहले चैप्टर को स्टार्ट करके, जब कोई भी चैप्टर आप खत्म कर लेते हो तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई आप तो कर लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे घर से 10:30-10 बजे निकलना है, 10:30-11 बजे निकलना है। एक लोग को मैंने बोला था ना, उनको ग्रुप 1 का एग्जाम दिलाने क्या जाना है। सेंटर बहुत दूर चला गया है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, कि घर वाले बोले कि उनको लेके जाना ही है, छोड़ना है, तो मना तो कर नहीं सकते। तो यही है, इसी में तो मजा है थोड़ा सा तो ट्विस्ट आएगा तभी तो मजा है। उसके बाद अगर ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद SM का 2 चैप्टर रहेगा और मेरा जहां तक आने जाने में टाइम लगेगा, आई गेस 4 आवर्स तो लग ही जाएंगे, 4 आवर्स चले जाएंगे। तो बाकी रिमेनिंग आवर्स में मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अभी कि पहले ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे देखते हैं जो होगा। करना है तो करना है बॉस, करेंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। क्योंकि देखो, बहुत सारी टेंशन मुझे भी रहती है, मैं भी सोचता रहता हूँ, कभी कभी सोचते सोचते बोले क्या 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 क्या, क्या सोच लेता हूँ। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपको सारी वीडियोस टाइम पे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज देखो कोई वीडियो अपलोड हो पाती या नहीं हो पाती, कल एक कमेंट आया था कि चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस आप अपलोड कर दीजिए, तो मैंने बोला कि मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने बोला है उनको कि आज अपलोड कर दूंगा, बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल और नॉट। एडिटिंग उसकी पार्ट 6 और 7 की बाकी है, चैप्टर 3 की 5 पार्ट्स की तो एडिटिंग हो गई है, 2 एडिटिंग बाकी है भाई साहब। उसकी एडिटिंग में 2 घंटे लग जाते हैं, मतलब 4 घंटा तो उसके एडिटिंग में देना पड़ेगा, मतलब 4 घंटा मेरे अपने सिस्टम को रखना होगा, मतलब कुछ आइडियल रखना होगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं कि हम लगा के चले गए तो वो होता ही रहेगा, एक लगा के जा सकते हैं, दूसरा लगा के नहीं जा सकते। तो एक तो मैं लगा के चला जाऊंगा जिसमें 1-2 घंटा लगेगा, तो मेरा 1 घंटा वहां यूटिलाइज हो जाएगा, 2 घंटा, और बाकी 2-3 घंटे जो लगेंगे वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप भी इस चीज को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ऐसी पावरफुल वीडियोस आपने चाहिए और ऐसे चैलेंजेस सीरीज चाहिए, देखो बिना चैलेंज के लाइफ में मजा नहीं है ना यार, क्रिस्प नहीं है, ऐसे जीने से क्या फायदा, जिंदगी में कुछ तो रहना चाहिए। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आई अपने कर लिए थे उसके ऊपर तक, और ये 1 नोट भी हमसे फिर गुस्सा हो गया, लेकिन मैं इसको सही कर दिया, मना लिया। हमने क्वेश्चन नंबर एच तक कर लिया था, वो भी रात में मेरा ये हो रहा था, फिर भी हमने कर लिया। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग एरिया। इन सारी एरियाज में आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजिक रोल है। तो फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, डेवलपमेंट ऑफ द वर्क एथिक्स एंड कल्चर, इन सारी चीजों में आपको क्या लगता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट आई ये रहा, आइए देखते हैं इसमें उनका क्या रोल है। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, द ह्यूमन रिसोर्स विल बी मोर कंसर्न विद सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म। सब्सटेंस से ज्यादा उनको फॉर्म पे इंपैक्ट रहता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब जो रियलिटी है उस पे वर्क करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज, अकॉम्प्लिशमेंट रेदर देन एक्टिविटीज, अकॉम्प्लिश करना है ना कि एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। द प्रैक्टिसेस रेदर देन थ्योरी, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। द पर्सनल फंक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट मेंटेनिंग इट। देखिए, जो पर्सनल रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल पे ले जाने के लिए, फर्दरिंग करना, मतलब उसको ग्रो करना, रेदर देन जस्ट
कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके यहाँ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको करना क्या चाहिए कायदे से, उसे अपने प्रमोट डिवोट मोर टाइम, उसको मोर टाइम डिवोट करना चाहिए, डिवोट मोर टाइम चेंजेस को प्रमोट करने के लिए उसको मोर टाइम डिवोट करना चाहिए, देन टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, देन टू मेंटेन स्टेटस क्यू, ना कि उसको स्टेटस क्यू मेंटेन करना चाहिए, मतलब एक जगह रेजिस्ट ना रहो भाई, कहने का मतलब चेंजेस करते रहो, अगर तुम नहीं बदलोगे तो जमाना बदल देगा, सही है। तो फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज में ह्यूमन रिसोर्स को ये देखना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है और हमेशा चेंज की तरफ देखना है। नेक्स्ट इज बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैसा रोल रहेगा बताइए। बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी, उनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक, अब होता क्या है आपको पता है, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिकनेस है, एक यूनिक स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब हम उस चीज में एकदम कोर कॉम्पिटेंट है, तो हम जो कैसे जैसे कर सकते वो कोई नहीं कर सकता, विच मे नॉट बी शेयर बाय अदर्स, जो कि शेयर नहीं हो सकती दूसरों से। इफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी, अगर एक बिजनेस कोर कॉम्पिटेंसी पे ऑर्गेनाइज्ड हो, It is likely to generate competitive advantage. ये competitive advantage लेके आएगा। Because of this reason, many organizations have restricted their businesses by divesting those businesses which do not match their core competency. अब देखो कुछ organization जो बड़े हैं वो restructures कर लेते हैं। Restructures इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज पे बिजनेस का प्रोडक्ट लाइन या फिर कोई भी प्रोडक्ट आइटम उसके बिजनेस पे काम नहीं करता, तो बेटर समझते हैं कि उसको डाइवर्स कर दो और जो मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज है उस पर फोकस करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं, उस बिजनेस पे हम क्यों जाए। डेवलपमेंट ऑफ द वर्क एथिक्स एंड कल्चर, आप बताइए डेवलपमेंट ऑफ द वर्क एथिक्स एंड कल्चर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है। Development of the work ethics and culture. As changing work ethics requires increasing emphasis on the individual, jobs will have to be redesigned to provide challenges. देखो, developing work ethics and culture, आपके organization में एक ethics होना चाहिए, work होना चाहिए, etiquettes होने चाहिए कि आदमी ऐसे करे, इतना करे। Flexible starting and quitting times for employees may be necessary. Flexible, आप कब आए कब जाए वो time necessary, और तो आप ये बता दो कि 9 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे काम करना है, आप 11 से कितना बजे 9 घंटे रहो, 10 बजे आओ और 8 बजे आओ, 9 घंटे रहो और काम करके चले जाओ। फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम एक्सट्रिनिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से ज्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों पे फोकस करना चाहिए। वाइब्रेंट वर्क कल्चर विल हैव टू बी डेवलप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट अमंग पीपल एंड एनकरेज क्रिएटिव आइडियाज फॉर द पीपल। ऐसा देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको एम्प्लॉइज को खुश रखना होगा, उनको क्रिएटिवनेस की तरह फोर्स करना होगा, फोर्स मतलब इंकरेज करना होगा कि क्रिएटिव एटमॉस्फेयर बना के रहे, वाइब्रेंट इन्वायरमेंट रहना है। वाइब्रेंट मतलब कि आपको सब जो काम करे तो मतलब हंसी खुशी के साथ करे, कोई हाथ मिला रहा है, कोई हाथ में ताली मार रहा है, और सबको एक टारगेट दे दो कि इतना अचीव हो गया तो ये है वो है, तो कुछ एक इन्वायरमेंट को वाइब्रेंट रखो, ऐसा नहीं कि सब आगे हाँ, बस ऐसे बैठ के काम कर, ऐसे नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस इज सेंट्रल टू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेथड दैट कैन बी डिटरमाइंड फॉर वर्थ ऑफ द बिजनेस। आपको वर्थ निकालना है बिजनेस का, तो ये क्वेश्चन शायद हमने कहीं किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद वो आपकी नीड पूरी कर देगा, बिल्कुल कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, विश्वास है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखिए, वेट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट सेम है। ये बताएगा कि क्या क्या वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेसेस। अब चलते हैं सीधा उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है उसमें भी देखिएगा वही वाला मेथड रहेगा।
नेटवर्क्स देखिए वेरियस मेथड ऑफ डेटा माइनिंग, ये सेम चीज है वहां पे भी और यहाँ पे भी। तो आप उस प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 को रेफर कर लीजिएगा, वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आप रेफर कर लेंगे तो फटाक से हो जाएगा, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है। एक्सप्लेन एनी थ्री प्रोमिनेंट एरियाज, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आप बोलोगे क्या करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 इसको दो बार क्यों करा था, कराना पड़ता है कभी कभी, लेकिन कोई चीज अगर सेम रहे डिटो तो मैं नहीं कराता। एक्सप्लेन एनी थ्री प्रोमिनेंट एरियाज वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन प्ले स्ट्रेटेजिक रोल। ऐसे तीन प्रोमिनेंट एरियाज बताइए जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर के 3 का के जी होगी के होगी। The prominent areas where the human resource manager can play strategic role are as under. कुछ rules हैं, आइए देखते हैं। Providing purposeful direction. The human resource manager must be able to lead people and organization towards the desired direction and goal. आप तो human resource management को अब देखो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मस्ट बी एबल टू लीड पीपल, लोगों को लीड कर पाए एक पर्पसफुल डायरेक्शन की तरफ। The prominent areas where human resource manager can play strategic role यहाँ पे play कर सकते हैं purposeful direction दिलाने में। ठीक है, purposeful direction दिलाने में आपको मैं shortcut अभी बता दूँ या फिर थोड़ा रुक के पहले मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं shortcut बताऊंगा। Creating a competitive, अब जब आप देख लेते हैं यहाँ पे मैं, in the present business environment maintaining competitive position or gain important objective of a business, कॉम्पिटेटिव पोजिशन कॉम्पिटेटिव एटमोसफेयर बनाना, जैसे ये दो इम्प्लॉई हैं, दो इम्प्लॉई जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, उनको भी एक टारगेट रहे, इनको भी टारगेट रहे कि ये काम इतना जल्दी, अगर कॉम्पिटिशन का एटमोसफेयर नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं आ पाएगी। फैसिलिटेशन ऑफ चेंजेस, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसर्न अबाउट द फर्दरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट मेंटेनिंग इट। जैसे हमने फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज के ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि हम मेंटेन ना करके सिर्फ मेंटेन ना करें और चेंज को बुलाए, चेंज को फैसिलिटेट करें, चेंज को अडॉप्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की तरफ बढ़े। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका यहाँ पे भी एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। ऑफ द वर्क फोर्स इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ द डाइवर्स वर्क फोर्स इज अ ग्रेट चैलेंज। डाइवर्स वर्क फोर्स एक ग्रेट चैलेंज है। वर्कर्स डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ द मेल एंड फीमेल, यंग एंड ओल्ड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड प्रोफेशनल एम्प्लॉय एंड सो ऑन। मेंटेनिंग एन कंजीनियल हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट इज अ चैलेंज फॉर एचआर मैनेजर, मोटिवेटिंग मेंटेनिंग मोरल एंड कमिटमेंट आर मोर टू की एचआर हैज टू परफॉर्म। डाइवर्जन ऑफ द वर्कफोर्स, डाइवर्जन ऑफ द वर्कफोर्स देखो हर जगह का अलग अलग काम है, हर टाइप के लोग चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अलग स्किल्ड अनस्किल्ड एजुकेटेड अनस्किल्ड मेल फीमेल यंग ओल्ड, तो इसको मेंटेन करना भी एक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी का पार्ट है और ये एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन प्ले स्ट्रेटेजिक रोल एज फॉलोज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कहाँ कहाँ एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, पहली बात तो एक पर्पजफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करके, क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके, फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज चेंज को इनकरेज करके, डाइवर्जन ऑफ द वर्क फोर्स में इनका बहुत बड़ा रोल है कि वर्क को कैसे मेंटेन किया जाए। Empowerment of the human resource, human resource को empower करके, empowerment of the human resource को empower करके, human resource को empower करके, जो आपके यहाँ काम करते हैं उनको empower करें, मतलब उनको और training दे और अच्छे से बताएं कि क्या काम होता है। Building core competency build करके, जो हमने बताया था अभी ऊपर, core competency build करके। The human resource manager has an important role to play in developing core competency by the firm. A core competency is a unique strength of the organization which may not be shared by others. एक unique strength होती है organization की, तो ये कौन build करेगा? Human resource managers. और development of the work ethics and culture, एक development करें work ethics और culture में, तो यहाँ पे human resource manager एक vital role play, मतलब क्या? अब इसका shortcut क्या है? WDP पे carry forward कर दो, क्या? WDP पे कैरी फॉरवर्ड कर दो। मैं बताता हूँ यहाँ पे सबका मतलब क्या, पहला स्टार्टिंग देखो, पी से आप लिख लो प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन पहला हो गया। वैसे सी से क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर, एफ से फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज, डी से
यहाँ पे हो गया डायरेक्शन डाइवर्जन ऑफ द वर्कफोर्स, इंपावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे लिखा इंपावरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, बी से बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, और डी से डेवलपमेंट ऑफ द वर्क एथिक्स एंड कल्चर। तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा वर्क एथिक्स एंड कल्चर, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है। सो ये होगी क्वेश्चन नंबर के की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट आई बोल रहा है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। तो इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा सीधा क्वेश्चन नंबर सेवन में, जहां की सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एकदम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इज द सेम, इज इट सेम एज अ लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, क्या वो सेम है? तो ये रहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसका डिफरेंस, ये दोनों अलग अलग है, यही सेम आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन आप जरूर देखिएगा, वो आपको आई गेस पार्ट थ्री में मिल जाएगा, आई एम नॉट श्योर पार्ट थ्री या टू में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन। आप डिस्क्रिप्शन में देख लिया करिए, जो भी वीडियो अपलोड होता है उसमें लिखा रहता है कि कौन सा पार्ट ये है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन, मैं लिख देता हूँ इसके सामने एकदम, डिटो सेम है, क्वेश्चन सेम है। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स का है और ये है सेल्स प्रमोशन का। मार्केटिंग मिक्स का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, मार्केटिंग मिक्स एकदम सेम क्वेश्चन, तो वही सेम चीज हमें पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में मार्केटिंग मिक्स की बात की गई है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ लिख देता हूँ, वो पार्ट टू में मिल जाएगा आपको और ये पार्ट थ्री में मिल जाएगा आई गेस, जहां तक मुझे लगता है ये दोनों पार्ट टू में मिल जाएगा आपको, मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स और पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। तो अभी हम लोग के पास बचा ये सारे क्वेश्चन जो हमें अभी करने हैं, सीधा ही स्टार्ट करते हैं। स्टेट द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी, स्टेट द फैक्टर्स। आपको टाइम देखना है, 8:11 हो गया अभी। स्टेट द फैक्टर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स हैं जो एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को इफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजमेंट क्या है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच स्ट्रेटेजी थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंप्लीमेंटेड ट्रायल अप्रेजल एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को माना जाता है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानर है, पार्टनर है, वो स्ट्रेटेजी में पार्ट लेते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी जब बनेगी तो अदर का पार्ट लेना बहुत जरूरी है, वो माने जाते हैं कि पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी है। इन द इम्प्लीमेंटेशन उसके इम्प्लीमेंटेशन एंड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्ट्रेटेजी, ना सिर्फ उन्हें बनाना और इम्प्लीमेंट करने में भी इनका बहुत ही मेजर रोल रहता है, थ्रू कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किसको कहाँ कैसे रखना है, एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेनिंग में, अप्रेजल में, रिवॉर्ड सिस्टम में, ये थ्रो ये पार्ट लिखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड एज दे कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी, कुछ चीजें हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल एंड कॉम्पेंसेशन, ये पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी। एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट बनाना है, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है, तो उसको कार की ट्रेनिंग, कार चलाने की ट्रेनिंग दे दो, क्या दे दो, कार चलाने की ट्रेनिंग दे दो, कार चलाने की ट्रेनिंग दे दो, काम हो जाएगा आपका। C for compensation, A for appraisal, R for recruitment and selection, R for recruitment and selection, E for appraisal, C for compensation और D for training। तो आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अपने employee को car की training देनी है, core competency आराम से build हो जाएगा, R भी खुश और आपका employee भी खुश, दोनों लोग खुश खुश खुश, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन,
आपको पता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन जब मैं पढ़ देता हूँ, द वर्क फोर्स विल बी मोर कॉम्पिटेंट इफ फर्म सक्सेसफुली आइडेंटिफाई अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट हाईली कॉम्पिटेंट। एक अच्छे रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो हमारे पास, सिलेक्शन अच्छा हो तो हमारा पावर बिल्ड होगा, अच्छे लोग आएंगे काम करने। ट्रेनिंग द वर्क फोर्स विल बी मोर कॉम्पिटेंट इफ एम्प्लॉयज आर वेल ट्रेन टू परफॉर्म देयर जॉब प्रॉपरली। द वर्क फोर्स विल बी मोर कॉम्पिटेंट, वर्क फोर्स क्या होगा मोर कॉम्पिटेंट होगा इफ एम्प्लॉयज आर वेल ट्रेन, अगर एम्प्लॉयज वेल ट्रेन है तो। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्या है, इज टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें अप्रेज करना बाई रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड दे के उन्हें अप्रेज करना। ओके ये लिखा था, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस डिफिशियंसी एक्सपीरियंस बाय एम्प्लॉय ड्यू टू लैक ऑफ द कॉम्पिटेंसी, सच डिफिशियंसी वंस रिटर्न बाय कैन ऑफन बी सॉल्व थ्रू काउंसलिंग कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि मैं अगर परफॉर्मेंस मेरा अगर खराब है तो मेरी मैनेजमेंट क्या करेगी, मेरी एचआर मैनेजमेंट आएगी मेरे को बताए कि भैया आप थोड़ी सी, मैं कंसल्टेंसी दे देता हूँ, काउंसलिंग करेगी आपकी, कोचिंग कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा आपकी, आपका अप्रेजल हो जाएगा। कंपनसेशन, a firm can usually increase its competency of its workforce by offering pay benefits and rewards that are not only attractive than those of the job your competitor dete utna hi dijiye but ek aisa recognition recognized merit dijiye jo ki reasonable ho, aisa ki aisa bhi na ho ki aapka jaise apne c article sheet mein hota hai, chaliye alag hi kahani hai। What do you understand by the functional strategy? What do you understand by the functional strategy? Next question, क्या functional strategy से क्या समझते हैं बॉस? आप बताएंगे क्या हमें कि functional strategy से आप क्या समझते हैं? ये रहा। Is widely used because of its simplicity and low cost. बहुत ही simple, low cost वाला structure है। Functional strategy groups tasks and activities by business functions. Functional strategy is widely used because of the simplicity and low cost. उसके simplicity और low खर्चे की वजह से ही इसको use किया जाता है। The functional structure consists of chief executive officers और जो functional structures और जो functional structure वो किसका किसका consist रहता है? Consist of chief executive officer, CEO और managing director. It consists of, मैं लिख देता हूँ इसको, चलिए लिखिए, फंक्शनल स्ट्रेटजी, द फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैं गलत पढ़ रहा हूं तो सॉरी बोलिए, मैं बोल देता हूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लिमिटेड कॉर्पोरेट और लिमिटेड कॉर्पोरेट स्टॉक, लिमिटेड कॉर्पोरेट स्टॉक, लिमिटेड कॉर्पोरेट स्टॉक विथ फंक्शनल लाइन मैनेजर्स, विथ फंक्शनल लाइन मैनेजर, फंक्शनल लाइन मैनेजर के साथ, इन डोमिनेंट मैनेजर के साथ, इन डोमिनेंट फंक्शन सच एज, इन डोमिनेंट फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, आरएनडी, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, the functional structure consists of chief executive officer or a managing director and limited corporate staff with functional line manager. देखो functional strategy किस किस लोगों में consist होती है, consist of CEO, managing director and limited cooperative staff. और भी बहुत सारे लोग हैं, आरएनडी के लोग रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटजी आर दैट इट फोर्सेस अकाउंटेबिलिटी टू द टॉप, मिनिमाइजेस कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या होता है ना, फंक्शनल स्ट्रेटजी की जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टॉप लेवल पे, तो जो आपके यहाँ जो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी क्योंकि सारा कुछ टॉप लेवल मैनेज करेगा। तो ये रहा आपका फंक्शनल स्ट्रेटजी। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, जो सर्विस के लिए होता है, सोशल मार्केटिंग देखते हैं क्या होता है। सोशल और सर्विस में आपको बताना है डिफरेंस, तो डिफरेंस बताने के लिए सीधा जो कहते हैं सोशल मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग के, आंसर नंबर ओ पे थ्री। ओके, सोशल मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग से प्राइमरली डिफरेंट ओरिएंटेशन, प्राइमरली देखा जाए तो ये दोनों का डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है। सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। सोशल मार्केटिंग, अरे
सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू डिजाइन, रेफर करता टू द डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम. सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू द डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम. डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना है, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम. सीकिंग इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल आइडियाज कॉज एंड प्रैक्टिसेस अमंग द टारगेट ग्रुप. फॉर इंस्टेंस पब्लिसिटी कैंपेन विल प्रोहिबिशन ऑन स्मोक स्मोकिंग एनकरेजिंग गर्ल्स चाइल्ड. तो सोशल मार्केटिंग करता क्या है, इसका एक अलग ही स्कोप है, अलग ही लाइन है. ये सोशल आइडियाज कॉज द प्रैक्टिसेस अमंग टारगेट ग्रुप को क्या करेगा, जैसे कि एक एग्जांपल दो कैंपेन की प्रोहिबिशन ऑफ, तो ये यहाँ पे सोशल मार्केटिंग होगी. आप इस पे फोकस करेगा, इसमें क्या करेगा, डिजाइन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा इन सारे प्रोग्राम्स को, तो होगी सोशल मार्केटिंग. सोशल से रिलेटेड जो चीजें करके उससे मार्केटिंग की जाए तो सोशल मार्केटिंग. दूसरे हाथ पे देखा जाए ऑन द अदर हैंड सर्विस मार्केटिंग इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मार्केटिंग क्या है, इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स. सारे कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करना ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज, ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज, मार्केटिंग से लेके सर्विसेज तक. सर्विस इज एनी एक्टिविटी ऑफ बेनिफिट. अब सर्विस क्या, सर्विस इज एनी एक्टिविटी, सर्विस कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर. सर्विस इज एन एक्टिविटी, इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट. सर्विस क्या है, इज एन एक्टिविटी और बेनिफिट जो हम ऑफर करते हैं दूसरे को. सो दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड नॉन पेरिशिंग. दिस मे बी टर्न फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर्स एंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. तो सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द मार्केटिंग टू द सर्विसेज. सिंपल सा बात, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विसिंग सर्विस प्रोवाइड, जैसे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, एजुकेशन की और भी बहुत सारी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो, उसमें जब आप मार्केटिंग के टेक्निक्स को अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग. सिंपल एज इट इज. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज व्हाट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये वाला हम लोग का हो. प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये वाला हम लोग का हो या भी ये करना है. तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. घर में कुछ गिरा हुआ है, होता है, होता है, होता है, साउंड पोल्यूशन होता है. प्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से पढ़ते हैं. प्रोडक्शन सिस्टम इज कंसर्न विद द कैपेसिटी, लोकेशन, लेआउट, प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन, वर्क सिस्टम, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड सच फैक्टर्स. किन किन चीजों से कंसर्न है, पहला है कैपेसिटी, इतनी हम प्रोडक्शन करेंगे. लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा. लेआउट क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होगा. प्रोडक्ट और सर्विस जो हम ऑफर करेंगे उसका डिजाइन क्या होगा. वर्क सिस्टम कैसा रहेगा, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, कितनी डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, मैं अपना पूरा काम ही ऑटोमेशन कर दूं या फिर कुछ मैनुअल रखूं कुछ ऑटोमेशन. एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड सच फैक्टर्स, एंड सच फैक्टर्स और ऐसे सारे फैक्टर्स. So strategies related to production system are significant as they deal with the vital issues affecting the capability of the organization to achieve its objective. So strategies related to production system issues deal with the vital issues. जो strategy production से related है वो एक vital issues को deal करती हैं affecting the capability of the organization to achieve its objective. जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. क्योंकि जब देखो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेल नहीं करेंगे, कॉस्ट मैनेज नहीं करेंगे तो सेल करके प्रॉफिट नहीं कमाएंगे. तो इन वजहों से होता है
ये बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन वुड हैव टू टेक इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन सिस्टम फैक्टर्स एज दे इन्वॉल्व डिजाइंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म इन द नेचर एंड इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द ऑपरेशन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो इट्स एबिलिटी टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। देखो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन वुड हैव टेकन इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन सिस्टम फैक्टर्स एज दे इन्वॉल्व डिसीजंस। व्हाट दे इन्वॉल्व डिसीजंस व्हिच आर लॉन्ग टर्म इन द नेचर। ऐसे डिसीजन जो लॉन्ग टर्म इन नेचर रहते हैं, जैसे मेरी कंपनी नेचर रहते हैं, जैसे मेरी कंपनी आने वाले 10 साल में टॉप 10 कंपनीज में आ जाएगी इस सेक्टर में। सपोज करो कोई भी रेडीमेड सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इसमें मेरी कंपनी 10 सालों में टॉप 10 में आ जाएगी। एंड इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द ऑपरेशंस, ये क्यों नॉट ओनली द ऑपरेशन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो, ये ऑपरेशन कैपेबिलिटी को ही नहीं प्रेज करता है of an organization but also ability to implement its strategy and achieve objective. जबकि इसके पास ability भी रहती है, ability to implement strategies and achieve objectives. ठीक है, सुन में आया? Now, move to the next. How you argue that research and development personnel are important for effective strategy implementation? आपके जो हाउ यू आर्ग्यू दैट द आरएनडी पर्सनल आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, आप कैसे आर्ग्यू करेंगे हमारे साथ कि जो आरएनडी के लोग होते हैं, आरएनडी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे ये लोग करते हैं। ये रहा आपका आंसर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल कैन प्ले अ इंटीग्रल पार्ट इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ये इंटीग्रल पार्ट प्ले कर सकते हैं, कह सकते हैं। These individuals are generally charged with developing new products. जो कि नया प्रोडक्ट हमेशा बनाने में लगे रहते हैं। And improving old products, और old product को improve करने में, we that will allow effective strategy implementation, जिसके वजह से हम एक proper strategy implement कर लिए। Suppose करिए मेरा स्ट्रेटेजी में ये लिखा हुआ है कि मुझे आपकी ये नया प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो न्यू प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे और इससे इतना प्रॉफिट कमाएंगे। अगर ये मेरी स्ट्रेटेजी है तो हु इज गोइंग टू प्ले द रोल? आरएनडी इज गोइंग टू प्ले द वाइटल रोल। आरएनडी एम्प्लॉयज एंड मैनेजर परफॉर्म टास्क दैट इंक्लूड ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। आरएनडी के लोग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एडजस्टिंग प्रोसेसेस टू लोकल रॉ मटेरियल। एडजस्टिंग प्रोसेसेस, जो प्रोसेस होता है लोकल रॉ मटेरियल्स उसको एडजस्ट करते हैं। अडॉप्टिंग प्रोसेसेस टू लोकल मार्केट्स एंड अल्टरिंग प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर टेस्ट एंड स्पेसिफिक। और आरएनडी के लोग जो रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं वो मार्केट का भी एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट में डेवलप करके अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्स दैट द न्यू प्रोडक्ट बी सक्सेसफुली डेवलप दैट ओल्ड प्रोडक्ट। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, आप जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं, प्रोडक्ट डेवलप मतलब नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं। और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जब एक आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, डाइवर्स करते हैं अपने आप को, तो रिक्वायर्स दैट न्यू प्रोडक्ट्स टू बी सक्सेसफुली डेवलप एंड दैट द ओल्ड प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजीज की पार्ट है ये रिक्वायर करती हैं कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो। ये भाई साहब जो जा रहे हैं अभी आवाज करके, ये हमारे यहाँ सफाई कर्मी साहब हैं जो आते हैं नीचे घर के नीचे और लेके चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे क्लास में डिस्टर्ब कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या करें प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं अगर आपको समझा दूं, तो जो ओल्ड प्रोडक्ट बना तो उसमें उसकी इंप्रूवमेंट हुई तो कौन करेगा, आरएनडी करेगा। न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च होगा कैसे लॉन्च होगा, सॉरी कैसे लॉन्च होगा,
R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो जी हाँ, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और आई गेस हमारा सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को बधाई हो। और अभी भी, अभी तो मेन चैलेंज शुरू है, अभी हमें दो चैप्टर्स और करने हैं। चैप्टर्स जो अभी हमारे बाकी हैं, चैप्टर 6 और 7, दो चैप्टर्स बाकी हैं। अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैं आज सुबह 8:30 बजे ही उठा और मुझे दो चैप्टर करने हैं एक प्रॉपर माइंडसेट के लिए कि हाँ मैं 8:30 बजे उठा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, मुझे अभी बाहर जाना है और वो 4-5 घंटे कंज्यूम करेगा। तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, आगे बनी रही हमारे साथ अगले पार्ट के लिए, देखते होता है या नहीं। आज 7 डे है, डे 7 का चैलेंज हमारा, जबकि एक डे क्या लिया हुआ था, एक डे हम लोग का कवरेज लिया हुआ था, कोई दिक्कत हो तो वो डे 3 में यूटिलाइज हुआ। डे 3 हम लोग का बहुत बेकार चला गया था, जिसमें हम लोग कवर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द एडिटिंग। एडिटिंग की वजह से मैं पूरा दिन एडिटिंग ही करता रहा, क्योंकि फिर मैंने रियलाइज किया कि एडिटिंग 4-5 वीडियोज अगर मैं भी डालता हूँ डेली, तो मैं कवर कर लूंगा 7-8, मतलब 7 डे कंप्लीट होने के 2 दिन में मैं पूरी एडिटिंग कंप्लीट कर लूंगा। तो दैट विल बी फाइन कि मैं 7 दिन का जो सारा काम है 9 दिन में कंप्लीट करके एडिट करके अपलोड कर दूं, दैट विल बी फाइन। तो बस यही है कि जो है अब यही है, आप देख लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा आई गेस 10:30 बजे, आई गेस 10:30 बजे मैं निकल जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप हमारे साथ बोल सकते हैं आई कैन एन अबिल। डर मुझे भी लगा फास्टा देख, मैं पढ़ता गया रास्ता देख, समझ मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरा हौसला देख। मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरा हौसला देख। बस चलते रहिए, हम भी चल रहे हैं।